नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम सीखेंगे वर्क करने की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप एक से लेकर 99 तक की संख्याओं का जो वर्ग है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की ट्रिक। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं, आपने जो वर्क की जो ट्रिक सीखी होगी वो सीखी होगी 10 का वर्ग कैसे निकालते हैं, और जो है संख्या 5 यानी कि 25 का जो वर्ग कैसे निकालते हैं, इन सब की ट्रिक सीखी होगी अलग अलग। लेकिन आज मैं जो आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि इन सब का जो यानी कि ये ट्रिक का और इस ट्रिक का दोनों का समावेश जो है हमारी आज की इस ट्रिक में होने वाला है। तो दोस्तों आप जो है हमारी वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ट्रिक, जिससे कि आप किसी भी संख्या का कोई ट्रिक बिना चेंज करें आप बता सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग कितना होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए ये 12 है, तो 12 का वर्ग जो हमको पता होता है, 12 का वर्ग होता है 144। ये हो गया 12 का वर्ग। अब देखिए हम ट्रिक कैसे लगाएंगे, बस दो स्टेप आपको समझना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। कोई भी संख्या वो इसी तरह से एक ही जो है ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो 2 है तो 2 का हम वर्ग करेंगे वो हो जाएगा 4। ठीक, अब 2 का वर्ग कर लिया 4, तो ये संख्याएं हैं 1 और 2, इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, यानी कि हम कह सकते हैं एक वर्ग का इसका और इसका तीनों संख्याओं का जो है गुणा कर लेंगे आपस में। तो 2 एकम 2 दो हुआ, फिर 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4, ये हो गया 4। ठीक है, अब जो लास्ट वाला अंक है इसका कर लेंगे वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो क्या हो गया हमारा 144, ये मिल गया हमें आंसर, यानी कि जो हमारा ये सही है। अब देखिए इसी तरह से हम जो क्या करते हैं, अब 14 का देखते हैं, 14 का वर्ग। अब 14 का वर्ग जो करेंगे वो हमें पता है, 14 का वर्ग जो होता है वो होता है 196, ये होता है 14 का वर्ग। और तो अब उसी तरह से ऐसे भी करते हैं, तो 4 का जो वर्ग करेंगे 4 चौक 16, 16 का एक हो गया कैरी। ठीक है, एक जो हमने कैरी ले लिया, अब इन तीनों का 2 का 4 का 1 का आपस में कर लेंगे गुणा, यानी कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 हो गया, और एक जो लिया है कैरी और ये हो गया 9। ठीक है, अब ये लास्ट वाला एक बचा इसका कर लेंगे वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 196। दोस्तों आपको अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। अब आगे देखते हैं कुछ बढ़ते हुए आगे के क्रम में। अब देखिए मान लीजिए 32 का जो हमें वर्ग करना है, तो 32 का जो वर्ग होता है 32 का वो होता है 10 24, ये होता है 32 का वर्ग। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका 2 और 3 का गुणा करेंगे आपस में, फिर 2 का भी कर लेंगे, यानी हम कह सकते हैं तीनों संख्याओं का जो है गुणा करना है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12 की होगी 2, 1 हो गया हमारा कैरी। ठीक ठीक, अब रह गया 3 का जो हम वर्ग कर लेंगे, 3 त्रिका 9 होता है, 9 और 1 कैरी है तो हो गया ये 10, तो ये जो हो गया हमारा 32 का वर्ग। इसी तरह से अब हम आगे और बढ़ते हैं, अब देखते हैं दोस्तों ये 48 का जो वर्ग करते हैं, तो 48 का जो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 का वर्ग करेंगे 64, 64 की हो गई यहाँ पर 4, 64 और 6 जो हो गया हमारा कैरी हो गया, और 64 अब इन इसका 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 कितना होता है, 64 और 6 70 की 0। ठीक है, 70, अब जो 7 जो है वो हमारा कैरी आ गया। अब ये हो गया, अब दूसरा स्टेप क्या है, 4 का जो हम वर्क करेंगे, 4 का वर्क करेंगे 4 चौक 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 16 और 7 हो गया 23, तो 2304, तो ये हो गया हमारा 48 का जो है वर्ग। तो इसी तरह से जो देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों मान लीजिए 72 है हमारी संख्या, 72 का जो वर्ग करेंगे तो 72 का जो वर्ग होता है वो होता है 51 84। ठीक है, तो इसका 2 का करेंगे वर्ग तो ये हो गया 2 दूनी 4, वही स्टेप है। अब इन तीनों संख्याओं को जो हम गुणा कर लेंगे आपस में, 7 दूनी 14 14 दूनी 28, 28 का जो हो गया हमारा 8, और 28 का 8 कैरी होगी 2,
ठीक। अब सात का जो है हम वर्क कर लेंगे, सात सत्तू सत्तू उनचास, पचास और एक इक्यावन, कैरी जोड़ देंगे इक्यावन हो गया, तो ये हो गया हमारा बहत्तर का वर्ग। अब देखिए दोस्तों, आप देख लेते इसी तरह 98 का, अट्ठानवे का जो है वर्ग करेंगे, तो अट्ठानवे का जो वर्ग होता है वो होता है छियानवे जीरो चार, 9604। अब 9604 होता है, देखिए अब हम आठ का कर लेंगे वर्ग, अट्ठो टू कितना होता है 64, 64 का चार छः जो हो गया कैरी। अब इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, नौ अट्ठे बहत्तर, बहत्तर कितना होता है, बहत्तर दूनी हो गया 144, 144 और 6 150, ये हो गया जीरो। अब कैरी जो आ गया वो हमारा आ गया 15, 15 कैरी हो गया। अब 9 का जो हम क्या करेंगे वर्क कर लेंगे, 9 का, 9 का वर्क करेंगे 9 में 81, 81 हो गया, 81 में 15 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।